हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर, इस बार हम कुछ पढ़ाने नहीं आए हैं, बल्कि जो नीट में दो क्वेश्चन गलत है बायो में, उसके बारे में बताने आए हैं, जिसके लिए बहुत से लोग क्लेम किए हैं। तो उसमें जो उसको करेक्ट माना जाएगा तो 10 मार्क्स का बोनस हो जाएगा, सभी स्टूडेंट्स को होना चाहिए। कैसे गलत है इसका आप देखें, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स इस पर क्लेम भी किए हैं। ये देखिए, एक तो क्वेश्चन है अभी नीट यूजी का, पहला एक क्वेश्चन है, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज। इसमें क्वेश्चन का पहला आंसर है ट्रांसपिरेशन। इसका जो नीट जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो आंसर है, दैट इज रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर जो है, ये रूट प्रेशर ये प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन है द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल, द प्रोसेस जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिया हुआ है, तो रूट प्रेशर इज नॉट अ प्रोसेस। क्योंकि प्रोसेस क्या होता है, देखिए, प्रोसेस इज कनेक्टेड सीरीज ऑफ एक्शंस और चेंजेज, कनेक्टेड सीरीज ऑफ एक्शंस और चेंजेज होता रहता है, बहुत सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जैसे डाइजेशन इज प्रोसेस, ग्रोथ इज प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस, ऑस्मोसिस इज प्रोसेस, बाकी उसमें प्रोसेस हैं, प्लाज्मोलिसिस है, इम्बाइबिशन है, ये सब प्रोसेस है, लेकिन रूट प्रेशर इज नॉट अ प्रोसेस, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। रूट प्रेशर प्रोसेस नहीं है। अगर इसका सही आंसर था गटेशन, जो कि उसमें नहीं दिया गया था, और रूट प्रेशर तभी हो सकता है अगर यहाँ प्रोसेस के बदले हम फैक्टर अगर लिख दें, कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर, अगर फैक्टर हम मानेंगे तब रूट प्रेशर होगा। ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी कि यहाँ पर फैक्टर होगा उसके बदले प्रोसेस लिख दिया, और इसलिए ये बार बार आंसर रूट प्रेशर को सही बता रहे हैं। आपका कोटा भी सही बता रहा है, NTA भी सही बता रहा है, लेकिन ये तो सवाल ही नहीं उठता है कि रूट प्रेशर एक प्रोसेस नहीं है। रूट प्रेशर हाइट, वेट, टेम्परेचर, जो वॉल्यूम, ये सब प्रेशर का, ये फैक्टर है अफेक्टिंग द प्रेशर। रूट प्रेशर इज ए फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस, ये है, तो इसलिए ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट को बताना है। इसमें जो NTA ने जो आंसर दिया है, जो नेट पर डाला है, वो है ये, स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंट बाय यूजिंग DNA लाइगेजेस। स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंट बाय यूजिंग DNA लाइगेजेस, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इट इज इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का मतलब है इट इज नॉट रिलेटेड विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दिस आंसर इज रिलेटेड विथ DNA लाइगेज। हम लोग बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए the answer is irrelevant. It is not related with restriction enzyme. Restriction enzyme से related ये तीन statement हैं। यहाँ पर DNA ligase जोड़ दिया गया, तो ये इससे restriction enzyme की तो बात ही नहीं हो रही है, तो ये कैसे सही होगा, ये संभव नहीं है। अब देखिए दूसरा क्या, अगर तो ये नहीं होगा तो क्या कौन सा आंसर होगा, ये देखना है। तो इसमें आंसर वन और टू दोनों होगा। कैसे होगा, आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जब भी बात करेंगे तो उसमें रिस्ट्रिक्शन एक्जोन्यूक्लिएज एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज दोनों की बात होगी। जब आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब क्लियर नहीं बता रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्जोन्यूक्लिएज या एंडोन्यूक्लिएज, तो ये एंडोन्यूक्लिएज के बारे में ये सही है कि ये इंस्पेक्ट करता है लेंथ ऑफ द DNA सीक्वेंस एंड कट्स द DNA एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है, जो आगे पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर सेम होता है, जैसे नवजीवन, सरस, ये सब जो वर्ड है कुछ मलयालम जैसे बताया गया, उस दोनों साइड से किधर से भी पढ़िए, लेफ्ट या राइट से, तो सेम ही पढ़ा जाएगा, मलयालम ही पढ़ा जाएगा, नवजीवन ही पढ़ा जाएगा, वो इस तरह का है। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पहले तो इंस्पेक्ट करता है और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में उसको कट करता है, इट इज रिलेटेड विथ रिस्ट्रिक्शन
एंडोन्यूक्लियस, और यहाँ आप क्या बात कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात है, मतलब कि इस दोनों के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, एक्जोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्जोन्यूक्लियस ऐसा नहीं करता, इंस्पेक्शन नहीं करता है और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कटिंग नहीं करता है, वो सिर्फ लास्ट एंड जो है, एंड ऑफ द डीएनए, वहाँ जो है सिर्फ उसको ये करता है, रिमूव करता है, रिमूव करता है ताकि दूसरा उसमें ये रिमूव करता है एक्जोन्यूक्लियस, ताकि ये उस पर काम कर सके। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, मतलब दोनों को मिला करके अगर बात करेंगे तो दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से छांटना है। तो ये दोनों रॉन्ग हो गया, द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए, ये नहीं करता है, एक्जोन्यूक्लियस नहीं करता है, उसी तरह द पैलिंड्रोमिक साइट्स पर कटिंग ये नहीं करता है, इसलिए ये इस हिसाब से ये गलत हो गया। तो और ये सेम, ये तो पिछले बार भी आया हुआ, ये देखिए पिछले साल आया हुआ है क्वेश्चन, आपका सेम क्वेश्चन है 2019 में, उसमें क्लियर कट दिया हुआ है। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वहाँ पर क्लियर दिया हुआ है एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ दिया, इसके बारे में बता रहा है कि विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिखा होता तब तो फिर बात कर सकते थे कि हाँ ये, इसलिए यहाँ पर जो है ये तो इरेलीवेंट है, यहाँ हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ डीएनए लाइगेज की बात हो रही है, इसलिए ये गलत हो गया, इरेलीवेंट हो गया। और ये जो है यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सही स्टेटमेंट है, और ये दोनों जो है एक के लिए सही है दूसरे के लिए गलत है, तो ऐसा हो जाएगा। तो इरिलेवेंट का क्या है, ये तो आप कुछ भी यहाँ जोड़ दें तो आप बोलेंगे कि ये इससे रिलेटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड नहीं है। अब हम यहाँ पर सेंटेंस जोड़ दें कि सनराइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर लिख दें, तो वो तो नहीं आंसर हो जाएगा ना, ये इरिलेवेंट हो जाएगा। ये जिसकी बात आप कर रहे हैं, बात रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हो रही है, तो वहाँ पर डीएनए लाइगेज का जिक्र जो है दैट इज इरिलेवेंट, उससे संदर्भित नहीं है। ओके, थैंक यू। आप उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि एनटीए के पास, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास इसका वो पहुँचे, और जो स्टूडेंट्स क्लेम किए हैं वो तो किए ही हैं, वो अंडर करेक्शन होगा, होना चाहिए, और ये हो जाने से आपका 10 मार्क्स बढ़ जाएगा, जनरल होना चाहिए, ये जो है इसका जनरल 10 मार्क्स बढ़ना चाहिए। सबका क्यों बढ़ना चाहिए, कि जो स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन में इसको टच नहीं किया है, दे आर मोर कॉन्शस, वो समझ रहे हैं कि इसका तो आंसर गड़बड़ लग रहा है, इसलिए उन्होंने टच नहीं किया है, तो उनको भी मार्क्स देना चाहिए। एक बार ऐसा ही हुआ था, तो 3 साल पहले की बात है, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो भी स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को टच किए हैं उन लोगों को फुल मार्क्स दिया जाए, वेदर द आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट। लेकिन हमारा तो ये जो, और जो स्टूडेंट्स से डिस्कस किए, तो वो तो जो ज़्यादा कॉन्शस है वो तो बताए कि हमको लग रहा था ये इसमें पता नहीं लग रहा है क्या होगा आंसर, इसलिए हम लोगों ने टच नहीं किया, क्योंकि हमारा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को इन जनरल 10 मार्क्स होना चाहिए, एक मार्क्स तो कट रहा आपका गलती के लिए, 2 क्वेश्चन है तो 4-4, 8 ये तो हुआ ही, और 2 आपका नेगेटिव मार्किंग में कटेगा, तो टोटल 10 मार्क्स हर एक का बढ़ना चाहिए, इट इज़ माय ओपिनियन। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये करें, अगर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम लाइकिंग तो बढ़ेगा, तो और हम लोग इसका एक लिंक एनटीए के पास भी भेज रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।